हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक, टीएस क्रिवेल की बुक से हम कर रहे हैं। अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है अभी, इसके बाद हमारा पेटी कैश बुक स्टार्ट होगा। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ स्क्रीन पर। प्रिपेयर कैश बुक फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मुंबई अप्रैल 2025, पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। देखो, लेजर अकाउंट तो नहीं आता इसमें से, जब आपको कैश बुक बनानी आएगी उसमें लेजर में डालना नहीं आता है। फिर भी हम एक बार आपको फिर भी एक बार बता देंगे कि क्या करना है। क्वेश्चन है डेट पर्टिकुलर, आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन किया है। 2025 अप्रैल मंथ की कैश बुक है। कैश इन हैंड का बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेजेस पेड, कैश सेल्स अप्रैल 7, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कोलकाता फॉर 15,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ पेड इन 7 डेज। ये कंडीशन लगी हुई है कि अगर 7 डेज के अंदर पेमेंट होती है तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश पेड टू रोहित 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,100 अप्रैल 10, इशू चेक टू राहुल इन सेटलमेंट। बाकी की हम बोर्ड पे नोट डाउन भी करेंगे और साथ में ही करते भी जाएंगे। देखो, हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी थी। आप ऊपर लिख लेना कैश बुक इन द बुक्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। वो आप एक बार, जब भी आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन करते हो तो स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लिया करो। मेरा मेन कंसेप्ट आपको कि बेस क्लियर करना होता है कि कौन सी चीज कैसे आई है। अब सबसे पहले हमें कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम है, तो सबसे पहले मैंने हर इलस्ट्रेशन में बताया कि आपको रूल पता होना चाहिए। रूल हम यहाँ लिख रहे हैं, कैश बुक का रूल होता क्या है, आपको सिर्फ कैश को ध्यान में रख के चलना है कि कमिंग या फिर गोइंग। हर क्वेश्चन में मैंने आपको रूल बताया कि कैश अगर आ रहा है तो हमें डेबिट साइड में एंट्री करनी है, चाहे वो बैंक में आ रहा हो या फिर कैश आ रहा हो, और अगर जा रहा है तो हमें क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। तो कैश कमिंग तो हम किस साइड एंट्री करेंगे, डेबिट, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट। बाकी अगर जर्नल प्रॉपर होगा तो हम नीचे नोट में करते जाएंगे। सबसे पहले आपको दिया है अप्रैल 1, 2025 का कैश इन हैंड बैलेंस होता है। हम इस थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने सब चीजें आपको एकदम क्लियर बताई हैं। कैश इन हैंड 14,000 ये बैलेंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ डाल दो 14,000 और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, ये 2025 और अप्रैल 1। बैंक ओवरड्राफ्ट तो इसका बैलेंस इस साइड होता है, पहले अमाउंट लिखा करो। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि जिस कॉलम का अमाउंट है, पहले कॉलम है अमाउंट, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी, ये भी अप्रैल, यहाँ पे 2025 और अप्रैल 1। नेक्स्ट है अप्रैल 4, वेजेस पेड, तो कैश इज गोइंग, गोइंग में क्रेडिट साइड, तो वेजेस पेड, यहाँ पे कुछ ये नहीं लिखा चेक से, तो पेड मतलब कैश, कैश जा रहा है, तो कैश में डाल देते हैं हम 1400 और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट। मैंने देखो पहले अमाउंट लिखा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, उसके बाद ही मैं डेट मेंशन करूंगी। नेक्स्ट है कैश सेल। कैश सेल है मतलब आप जिस चीज का काम करते हो उसमें पैसा आ रहा है, गुड्स आपने बेची हैं कैश में तो पैसा आ रहा है, तो इस साइड लिखेंगे, पहले अमाउंट डालेंगे कैश कॉलम में और इधर क्या लिख दोगे, टू सेल अकाउंट। ये कौन सी है, अप्रैल 5 की एंट्री, जिसमें बैंक में नहीं है तो उसमें स्लैश लगा दो। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 7 की, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 15,000, परचेज गुड्स मतलब गुड्स खरीदी हैं, राहुल से खरीदी 15,000 के, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ पेड इन 7 डेज। देखो, कैश डिस्काउंट में क्या कंडीशन होती है कि जब उस पर मिलती है जब आप पेमेंट करते हो या फिर पेमेंट आप रिसीव करते हो। आप गुड्स खरीदी हैं तो पैसा जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप 7 दिन के अंदर पे कर देते हो, मतलब आपने खरीदा कब है, 7 को, तो 7 दिन और जोड़ दो, तो 14 अप्रैल से पहले अगर आप पेमेंट इन 14 अप्रैल तक अगर आप पे कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगी। तो दिस मीन्स अभी तो पेमेंट का उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई। कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, क्रेडिट, आपकी कैश वाली ट्रांजेक्शन इसमें जा रही है, अभी पेमेंट नहीं करी है, तो हम इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री बना देंगे। जर्नल प्रॉपर वाली हम नीचे बनाते जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, यहाँ पर हो जाएगी। परचेज हो या सेल हो, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसका एक रूल होता है, हमने जर्नल में बताया हुआ है, जितना भी लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है वो हमारा परचेज में जाता है। लिस्ट प्राइस इसमें क्या है, 15,000, तो 15,000 का, देखो 15,000 का 20% इसको काट दो तो 3,000, तो 15 में से आप 3 को कट कर दो
तो कितनी परचेज हो जाए, लिस्ट प्राइस 15, ट्रेड डिस्काउंट कितनी हो गई 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने उसको अब जब भी पे करोगे तो 12,000 का आपका बेस वैल्यू होगा, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्यों शो नहीं करी, वो जर्नल में हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 9 की, परचेज फर्नीचर इन कैश, कैश में गया, खरीदा तो कैश इज गोइंग, तो किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे पहले 10,000 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, यहाँ परचेज वर्ड नहीं लगाना, बाय फर्नीचर का, क्योंकि परचेज और सेल जो वर्ड होते हैं वो गुड्स के लिए लगाया जाता है। कैश पेड टू रोहित, रोहित को कैश पे किया, तो भी हमारा इसी साइड एंट्री होगी, 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ 51। जब भी सेटलमेंट वर्ड होता है तो जितना भी आपके दो अमाउंट होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है। अब क्या करोगे, कैश पे हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, तो पहले कैश कॉलम में कितना कैश गया, 5,000, तो यहाँ पर आप 5,000 लिखो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रोहित। अब यहाँ पर ये किसकी है, अप्रैल 10 की। अब एक चीज बताओ कि हमें यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट है, तो डिफरेंस दो है, एक 5,000 और 51, तो 100 रुपीज का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अब डिस्काउंट कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री में। कैश वाली एंट्री हमने किस साइड की, क्रेडिट साइड में, तो डिस्काउंट भी जर्नल एंट्री में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इसका भी जर्नल प्रॉपर बनेगा, हम यहीं पर बना देते हैं, थोड़ा इसको रब कर देते हैं, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, डिस्काउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव, थोड़ा पूरा लिख लेना। और डेबिट में क्या आएगा, जिसका नाम आपने यहाँ पे लिखा, रोहित, रोहित डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना, 100 रुपीज। ये आपकी सेकेंड जर्नल नरेशन, आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री है, इशू चेक टू राहुल इन सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपने उसको पेमेंट कर दिया, अब देखना है कि आपको डिस्काउंट भी, जहां पर सेटलमेंट होता है वहां डिस्काउंट तो हमेशा आता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, राहुल कौन था, ये जो 7 अप्रैल को हमने राहुल से खरीदा था, ये जो हमने एंट्री करी थी, कितना आपने खरीदा था, 12,000। अब 12,000 के ऊपर क्या होगा, 12,000 मैंने आपको भी बताया था, जब हमने एंट्री डेट करी 7 तारीख को खरीदा, तो 14 तारीख से, मतलब 14 अप्रैल से पहले अगर आप पे कर देते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमने कब पे कर दिया, 10 को ही पे कर दिया, मतलब 3 डेज के बाद ही, तो डेफिनेटली आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगी, 2%, तो 12,000 का 2% तो कितना हो जाएगा, 240, मतलब आपने जहाँ 12,000 पे करने थे ना वहाँ 240 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब हमने क्या किया, पे किया ना, सेम जैसे डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, पे होगा तो कैश यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर पहले आप लिख दोगे किसको जा रहा है, पहले अमाउंट लिखना था, फिर भी हम लिख लेते बाय राहुल, मैं बताती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं पहले लिख रही हूँ, बाय राहुल लिखेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि आपको 12,000 देने थे, उसमें से 240 आपको कम देने हैं, डिस्काउंट पे लेगी, तो कितना आप पे करोगे यहाँ पर, 11,760, जो 240। अब इसी साइड एंट्री है क्रेडिट साइड, तो सेम इसी की तरह एंट्री हो जाएगी, अब वो अपने आप लिख लेना, सेम डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में हो जाएगा और डेबिट में रोहित की जगह क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, और 240 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। ये आपको जनरल प्रॉपर में लिखना है। अब ये वाली नेक्स्ट हमारी 10 तक हो गई, उसके बाद हम रब करके पहले नोट डाउन कर। अब देखो नेक्स्ट, ये वाली जो एंट्री थी हमारी 10 डेट की थी, जो राहुल को आपने चेक पे किया था। अब नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 13 में, जो चेक इशू किया था राहुल को, वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया। देखो जब भी आपका कैश बुक में डिसओनर वाली एंट्री आएगी, अगर आपने जिसका चेक आपका डिसओनर हुआ है, अब जैसे राहुल का हुआ, राहुल की एंट्री आपने किस साइड की हुई थी, क्रेडिट साइड, तो उसी साइड अपोजिट साइड में आप कर दोगे, डेबिट साइड में आप सेम बैंक कॉलम में कर दोगे। जैसे ये वाला जो था आपका, ने चेक पे किया था, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, कैश कॉलम में लिख दिया था, जबकि सॉरी ये आना था यहाँ पे, इस साइड आना था, ठीक है, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की थी। अब आपने जो राहुल को चेक पे किया था वो डिसओनर हो गया, अब हमने इस साइड एंट्री करी हुई थी, तो इसको आप सेम अपोजिट साइड में सेम बैंक कॉलम में अमाउंट डाल दोगे। कितना का चेक था, 11760, तो आप पहले बैंक में आपसे अमाउंट डालोगे 11760, और यहाँ पे आप सेम क्या लिख दोगे, टू राहुल, क्योंकि किसका चेक डिसओनर हुआ है, टू राहुल का, और यहाँ पे कितना डेट डालेंगे, अप्रैल 13। अब नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल, कैश सेल में फिर से पैसा आ रहा है, तो पहले बैंक, बैंक नहीं, कैश कॉलम में आप क्या करोगे, अमाउंट डालोगे, कितना, 4500, तो यहाँ पे 4500, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू सेल अमाउंट। ये भी कौन सी एंट्री है, 13 डेट की,
बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट देखो हमने किस साइड बैलेंस लिखा था, इस साइड लिखा था। जिस साइड ओवरड्राफ्ट होता है उसी साइड उसका इंटरेस्ट भी आता है, बैंक को हमें पे करना पड़ता है बैंक को। तो कितना पे किया हमने बैंक में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, 500। तो किस में जाएगा ये, बैंक कॉलम में। तो आप यहाँ पे 500 लिख दोगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और कौन सी डेट है ये भी, 16 की। नेक्स्ट है 18, डिपॉजिट इन बैंक। देखो लास्ट इलस्ट्रेशंस में भी हमने बताया, जब भी बैंक में डिपॉजिट कराते हो और जब भी बैंक से विड्रॉ करते हो कैश आप, बट पर्सनल यूज कहीं पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन केसेस में हम कौन सी एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो मतलब दोनों साइड आप इस साइड भी सी लगा दोगे और इस साइड भी सी लगा दोगे। दिस मीन्स हमें दोनों साइड अमाउंट डालना है। अब ये चेक करना है कि कैसे डालना है। मेरा रूल सिर्फ यही है कि कैश को ध्यान में रखना है। अब जब डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे हम, बैंक में जब जाएंगे तो हम घर से पैसा लेकर जाएंगे अपने बिजनेस में से, तो पैसा क्या होगा, कैश इज गोइंग, क्या जो रहा है, कैश जा रहा है। तो जब जाता है तो हम इस साइड एंट्री करते हैं। तो पहले कैश कॉलम में आप क्या करो, अमाउंट डाल दो, यहाँ पर ऐसे 7,000 डाल दो। हमने कैश कॉलम में डाल दिया, कैश जा रहा है। अब दूसरी साइड अपोजिट साइड में सी लिखे, अपोजिट कॉलम होना चाहिए, कैश है तो इस साइड क्या हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा। एक साइड अगर आप पहले कैश को ध्यान में रखना है, प्रेफरेंस किसको देनी है, कैश में। अगर डिपॉजिट का कैश जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड कर दो, इस साइड बैंक में कर दो। ऐसे सेम जब विड्रॉ करते हो कैश आता है तो कैश में पहले यहाँ डाल दो, उस साइड अपोजिट बैंक में डाल दो। अब लिखेंगे क्या, जैसे आपने यहाँ पे बैंक है, बैंक में डाला, तो आप यहाँ लिखोगे अपोजिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे हमने किस कॉलम में डाला, कैश में, तो इस साइड क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 7,000 यहाँ पे आएगा और सी भी इसके इस साइड आएगा। ये किस चीज की एंट्री है, अप्रैल 18 की। नेक्स्ट एंट्री है पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। अब पेमेंट फिर से जा रही है तो हमें इस साइड एंट्री करनी है, चेक से जा रही है तो बैंक में आएगी, यहाँ लिख देंगे बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये किसकी एंट्री है, अप्रैल 20। अब नेक्स्ट अप्रैल 25 की सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स 23,500 टू विकास एंड रिसीव चेक्स इन सेटलमेंट एंड डिपॉजिट सेम डे, डिस्काउंट अलाउड 500। देखो जब भी कभी कभी बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कहीं पर तो डिस्काउंट माइनस की जाती है और कहीं पर नहीं की जाती है। देखो जब भी सोल्ड गुड्स हो, जब भी परचेज गुड्स हो, तो वहां पर जितना भी आपको डिस्काउंट का अमाउंट दिया होता है हमेशा आपको माइनस करना ही पड़ता है, क्योंकि जब आपको रिसीव कैश या रिसीव चेक होता है वहां पर आपको डिस्काउंट माइनस नहीं करना होता है, ऑलरेडी माइनस होता है। यहाँ पे सोल्ड गुड्स और परचेज गुड्स अगर लिखा होता है तो वहां पर आपको माइनस करना है। आपने सोल्ड गुड्स 23,500 चेक रिसीव हुआ तो पैसा आएगा और सेम डे बैंक में आ गया, तो बैंक कॉलम में आप डाल दोगे 23,000। कितना डालेंगे, 20, क्योंकि 500 उसमें से कट जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। ये कौन सी है, अप्रैल 25 की एंट्री, इससे पहले आई थिंक 23 था शायद। नेक्स्ट देखो पेड रेंट, पैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो कैश में होगा, कैश जा रहा है 800, कहाँ जा रहा है, बाय रेंट अकाउंट। कौन सी डेट पे जा रहा है, 27 को। ड्रू कैश 4%, ड्रू का मतलब कैश विड्रॉ किया। अब देखो सेम हमने जो कॉन्ट्रा एंट्री करी थी ये वाली 7,000 वाली, उसमें डिपॉजिट कैश था, अब यहाँ पे विड्रॉ कैश है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज आ गया। तो पर्सनल यूज हमेशा ड्रॉइंग्स होता है, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री कभी भी नहीं करते हैं। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री हमेशा इस साइड आती है, क्योंकि बिजनेस में से ऑनर निकाल के जाता है पैसे, जब पैसा जा रहा है तो इसी साइड एंट्री करेंगे। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,000, तो 1,000 आ जाएगा, कैश विड्रॉ करें तो कैश कॉलम में आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। एंट्री है ये अप्रैल 2019। पेड सैलरी फिर से कैश जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2,000, फिर आप यहाँ लिख दोगे बाय सैलरी अकाउंट। ये कौन सा है, अप्रैल 30 की। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड होता है तो इसका मतलब बैंक में हमारी तरफ से, बैंक हमारी तरफ से पैसा इकट्ठा कर रहा है, हमारे बैंक कॉलम में कैश आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, तो कितना 2,500, तो इस साइड एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट कलेक्टेड में डेबिट साइड, इंटरेस्ट चार्ज में क्रेडिट साइड, यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट।
ये अप्रैल 30 की। अब अप्रैल 30 का मंथ चल रहा था तो सबसे पहले कैश कॉलम का, कैश का दोनों साइड्स का टोटल आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, वो हमारा बाय बैलेंस सीडी होगा। आप इस साइड का अगर टोटल कर रहे हो, इन सबको टोटल करो तो वो आ रहा है 35,500। अब 35,500 में से इस साइड का सारा टोटल आप माइनस कर दो तो वो जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, 18,300 बच रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, और इस मंथ के लिए क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, ये अप्रैल 30 को। अब मैंने एक बार लास्ट में एक बार बताया था कि मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, बीडी इस साइड है तो सीडी 90% इसी साइड निकलता है, लेकिन हमने चेक किया कि इस साइड का टोटल लेकिन ज्यादा हो रहा है तो 10% चांसेस रहते हैं कि जिस साइड बीडी होता है ना बैंक का, उसी साइड ही क्या आ जाता है, सीडी भी आ जाता है। तो हमने इधर का टोटल किया तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो 44,260 आ रहा है, और इस साइड का टोटल जो है वो कम है। तो दोनों साइड्स का अगर आपको टोटल इक्वल करना है तो जो डिफरेंस है वो 18,200 है। तो इसी साइड सीडी आ जाएंगे दोनों का, कैश का भी और बैंक का। ये दोनों सीडी नेक्स्ट मंथ में मतलब 1 मई को क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएंगे, टू बैलेंस बीडी कब, 1 मई को। यहाँ पर आप ये दोनों 8,300 और जितना भी आपका 18,200 वो इस साइड आप दोनों बीडी लिखेंगे नेक्स्ट मंथ की 1 डेट को। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। हमें जो है अपने आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनली हो, आपका जो आता है कैश बुक बनाने के लिए आता है, वो चाहे सिंगल कॉलम हो या फिर डबल कॉलम हो, पेटी कैश बुक भी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेटी कैश बुक का ही आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टिल इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं, उसका आंसर हम आपको दे दें।